दोस्तों मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि क्राउन कैसे असेंबल करते हैं अशोक लेलैंड 2516 का, कैसे असेंबल करेंगे सेंटर क्राउन जिसमें 4x4 और टेल पिनियन को हम असेंबल करके बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवक कुशवाहा, मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिसके आप दोस्तों जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन थ्रू सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि टेल पिनियन में बैरिंग कैसे फिटिंग करते हैं, कैसे एडजस्टिंग करेंगे, दोनों बैरिंग कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों हम सबसे पहले टेल पिनियन की बैरिंग को दोनों को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने क्राउन को पहले ही खोल के बाहर निकाल लिया है और टेल पिनियन के लॉक को निकालते हैं और फिर उस पायलट बैरिंग के कोन को निकाल देंगे। उसको लगाने के बाद निकालने के बाद हम दोनों बैरिंग को निकाल लेंगे और फिर बैरिंग को फिटिंग करके दिखाएंगे। देख सकते हैं अपना 4x4 रखा हुआ है जिसमें स्पाइडर असेंबली फिटिंग है और स्टार गियर ऊपर लगा हुआ है। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और देख सकते हैं हम, चलिए बैरिंग को निकाल लेते हैं दोनों को, हल्का सा प्रेस करके लॉक को भी निकाल देते हैं जिससे अपना टेल पिनियन फ्री हो जाए और बैरिंग निकालने में आसानी हो। देख सकते हैं दोस्तों हमने लॉक को निकाल लिया है। अब चलिए हम बैरिंग को निकाल के दिखाते हैं और बैरिंग का पार्ट नंबर क्या है उसके बारे में भी बताएंगे कि कितने पार्ट नंबर का बैरिंग लगेगा और कितनी बैरिंग लगेंगी।
इसको मोबाइल दे, थोड़ी फोटो खींच दे वहाँ के नंबर की, तो नहीं मोबाइल अपना जितने नंबर है सबके खींच लेना। ज़्यादा कंप्लेन कर सकते हैं, थोड़ी देर तक और कितनी आवाज आ रही है, एक मिनट उठाना चेक कर लिया, देख सकते हैं आप लोग एक बार है उसको हल्का सा और प्ले करके देखते हैं अगर आ गया तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो कल पीएम को चेक करना पड़ेगा और सही है, देखते हैं हमने प्ले इतना रखा हुआ है, अगर ज़्यादा प्ले रखेंगे तो देखते हुए चल नहीं पाएगा और गाड़ी भी उन्हें काम नहीं करेगी, दे सकते हैं अच्छी आवाज़ आ रही है, सब दांत में गिरीज भरो तो अच्छी आवाज़ है, पाँच छः दांत में गिरीज डालो भर भर के, इसके कारण शाम हो रहा है, सिलेंडर किनारे कर दो ना, मैं कहीं तो क्या वैसे बताएंगे इसमें क्या हो सकता है, किसी कारण निशान आ रहा है, इसके बाद हम ग्रीस भर के भी आपको दिखा देते हैं कि ग्रीस कितना काटता है और बराबर से फ्री है या नहीं, चलिए हम इसको और भी लगा दो तीन ट्यूब पर
और इसके बाद में हम एक बार राउंड करके देखते हैं। पूरी ग्रीस खाद आ रही है ना, अभी हम लोग लगा के चेक किए थे। इसको देखो हमने 5-6 ट्यूब के अंदर ग्रीस खाद घुमा के दिखाते हैं कितना ग्रीस काट रहा है, क्राउन अपना बराबर सेट हुआ है या नहीं। देख सकते हैं दोस्तों पूरी ग्रीस ख़त्म हो रही है, मतलब क्राउन अपना सही से काम नहीं कर रहा है, फिर हमको इसको खोलना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो आप लोग देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो पंप नोजल कैसे फिटिंग करते हैं, टाटा 25000 BS तरीका पंप नोजल कैसे फिटिंग करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे, क्या टाइमिंग होगी और क्या फायरिंग ऑर्डर होगा, अपना पंप नोजल कैसे फिटिंग होगा उसके बारे में आप लोग को मैं डिटेल में बताऊँगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का आवाज़ दबाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्राउन में क्या दिक्कत हो सकती है जिससे हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें और आपको समझा सकें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।